क्या आपने कभी सोचा है कि वो स्थान कैसा दिखता होगा जहां महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, जहां उन्होंने अपना बचपन बिताया था। महात्मा गांधी, भारत के राष्ट्रपिता, जो पूरी दुनिया में भारत के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं। स्कूली सिलेबस में महात्मा गांधी के बारे में सब लोगों को बताई जाती है कि 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात में पोरबंदर में उनका जन्म हुआ था। पोरबंदर के जिस घर में महात्मा गांधी का जन्म हुआ वो आज एक मंदिर जैसे संग्रहालय का रूप ले चुका है, जहां रोजाना सैकड़ों लोग बापू से रूबरू होने आते हैं। इसका नाम कृति मंदिर है और यह एक ऐसा मंदिर है जहां पर आपको महात्मा गांधी की कोई भी प्रतिमा नहीं दिखेगी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी पूजा हो। और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए राजघाट पर तक जाना आसान है, लेकिन बहुत कम लोग ही पोरबंदर का दौरा करते हैं। ये वो स्थान है जिसे राष्ट्रीय तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाना चाहिए था। गुजरात की राजधानी गांधीनगर यह अहमदाबाद से यह तकरीबन 400 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां पहुंचने में रोड और ट्रेन से 8 घंटे का समय लगता है। इस जगह की शांति आपको समय के साथ पीछे ले जाती है, जब गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलने का संकल्प लिया था। उनके जीवन और उनकी शिक्षाओं को समझने के लिए यह एक महत्वपूर्ण स्थान है। वैसे तो गुजरात में अनेक धार्मिक और प्राकृतिक स्थल है, जिनमें से एक 4 धामों में से एक द्वारका भी आता है, और द्वारका के पास में ही महात्मा गांधी का जन्म स्थान पोरबंदर भी है। यहाँ पे आने के बाद आप गांधी जी के जीवन, उनके संघर्ष और उनके विचारों को करीब से जानने का मौका मिलता है।